रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने आगामी काही दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री काही दिवसांकरता लॉकडाऊन जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हातावर पोट असणारा नागरिक मात्र धास्तावलाय. लॉकडाऊन पेक्षा कडक निर्बंध जाहीर करा अशी मागणी सामान्य जनतेतून व्यक्त होतीय. कारण मागील लॉकडाऊनचा वाईट अनुभव लोकांना आलेला आहे. याविषयी आमचे नांदेडचे प्रतिनिधी अन्सार पठाण यांनी नागरिकांशी संवाद साधत लॉकडाऊन बाबत नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्यात. महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता आहे आणि आपण जनतेला विचारू शकत त्यांची प्रतिक्रिया काय आहे. नांदेडमध्ये महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊन लागणार आहे, त्याच्या प्रतिक्रिया काय आहे याच्याबद्दल माहिती सांगा. सर, हे जे लॉकडाऊन लावायला आहे तुम्ही बोलत होते ना, तर हे जे लॉकडाऊन लग रहा है इसमें गोरगरीबों को बहुत परेशानी हो रही है. खाने के लाले पड़ रहे सर, अभी ऑटो वाले का परेशानी है और कारोबार वाले छोटे मोटे कारोबार वाले को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है. अभी लॉकडाउन के अंदर सारे कारोबार बंद हो गया. अभी रोड के ऊपर कोई पब्लिक नहीं करना, ऑटो वाले चलाना तो क्या करना, कारोबार क्या करना. सभी बच्चे अभी गवर्नमेंट हमारे को सपोर्ट भी नहीं कर रही है, ऑटो वाले को राशन पानी का सहूलत भी नहीं कर रही ना, क्योंकि बच्चे लोग घर में बैठ के कम से कम खा सकते हैं. उन्होंने कैसा है ये बड़े लोग जो है तो ऐसे ही बैठ के लॉकडाउन लॉकडाउन कर देंगे. गरीबों का कुछ सोच रहा नहीं. गरीबों को कहाँ जाना, गरीबों बाल बच्चे घर पर. आप हमारा कैसा दिन भर करना तो खाना है, ये कैसा करना है, परेशानियाँ भी सारे तरह घूमते थे, कैसा खाने को राशन नहीं है, पानी नहीं आती, कैसा परेशानियाँ कैसा करना. नहीं, लॉकडाउन सर ये बंद कर दो सर. लॉकडाउन की वजह से सर ये बहुत परेशानियाँ जा रही है. लॉकडाउन ये सरासर गलत है सर. अगर आपको जो पेशेंट अगर बढ़ा आप उसको पाकिस्तान में ये जो पेशेंट आप बढ़ाओ ना, इधर इधर टेस्टिंग करा के इधर ये करो ना, ज़्यादा दवाखाने में तुम्हारे बेड़ा नहीं है कि शादी खाने ये सही के लिए गवर्नमेंट को जो है ना कॉलेजेस वगैरह इसके अंदर भी भर्ती कराओ ना. ये लोगों को परेशान है क्यों कर रहे हैं बच्चे. अभी तक भी जो महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने और हमारे नांदेड़ के कलेक्टर ने जो बंद करने का लॉकडाउन लगाने का इससे पहले भी जो किए हैं 10 दिन 12 दिन जो भी अभी तक लगा, इसमें बहुत अच्छा लॉकडाउन था कि कई व्यापारी उसमें परेशान हुए, लेकिन बहुत सारे व्यापारियों को ढील भी दी गई. मैं प्रशासन का, कलेक्टर साहब का, नांदेड़ के और हमारे मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो जुर्माने और जो फैन मारने का वो नहीं मारे और घंटा दो घंटे पब्लिक को मौका दिए कारोबार करने वालों को कि भाई उनका आधा एक घंटा आगे पीछे अगर होता है बंद करने के लिए कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं रहा. और मैं आगे भी ये चाहता हूँ कि भाई अगर 16 तारीख को अगर लॉकडाउन लग रहा है तो रमज़ान का महीना है, इसमें 5 बजे जो शाम का जो टाइम है, जो 8 बजे का 7 बजे का ये असर के बाद का जो 5 बजे का जो टाइम है, वहाँ से लेके जो है 7 बजे तक 6:30 बजे तक हमारा जो इफ्तार का टाइम होता है उस टाइम तक अगर मौका दिए तो बहुत अच्छा रहेंगे. तुम्हारा लॉकडाउन हवे की नको? नहीं, अब लॉकडाउन लागायचं नाही, उपाशी मरायचं आहे आपल्याला, काय नाही दुसरं. ये लॉकडाउन लागायचं मग सगळ्याची सोय सगळ्याला पाहिजे. म्हणजे काय आहे की लोकं भी 4 चीजाचं पालन करायचं, मास्क लावायचं, हात धुवायचं आणि ते सोशल डिस्टन्स ठेवायचं आणि ते सॅनिटायझर वापरायचं आणि लास भी घ्यायचं. हे गव्हर्नमेंटचं आहे, राज्य सरकारचं आहे, केंद्र सरकारचं भी हे म्हणणं आहे. माझं हे म्हणणं आहे की लॉकडाऊन लावलेलं तर गरीब लोकांनाही चांगले कसं राहते काय राहते ते त्याची जेवणासाठी खायासाठी सगळं प्रक्रिया पाहिजे, तवच लॉकडाऊन चांगलं राहील. लॉकडाऊनमध्ये ते जे बी ते दुकानदार आहे सगळ्याचे दुकानदाराला छोटं मोठं कामंबी लावायला पाहिजे, त्यामुळे ते लॉकडाऊन चांगलं राहणार. तुम्हाला लॉकडाऊन हवे की नको? नाही हवे, मग काय ते कारण काय आहे ते पेशंट वाढायले हे आम्हाला माहीत झाले म्हणजे हे की पेशंट वाढल्यानंतरही ते काम लागायला ना. महाराष्ट्र सरकार जो लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले रही है, पहले सरकार ने ये करना चाहिए हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, पहले वो देखना चाहिए. फिर उसको बाद में रोजगार जैसे ऑटो वाला होगा, मिस्त्री होगा, उनको रोजगार का कुछ ख्याल करना चाहिए. ये लोग परेशान है लॉकडाउन लगने के बाद में, जो रोज मजदूरी करके खाता रहेगा ये क्या कहेगा क्या कहेगा, ये ऐसे ही मर रहे लोग. इसलिए सरकार ने ये इसका सोचना चाहिए, ये हमारी प्रतिज्ञा है. कैमरा मैन से अन्सार पठान, स्टार महाराष्ट्र न्यूज़, नांदेड़.